बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। आप सो अगर आपकी पूरी फूलती नहीं, अगर आपको पूरी बेलनी नहीं आती, अगर आपकी पूरी पकने के बाद सख्त हो जाती है, इस तरह मक्खन की तरह सॉफ्ट नहीं रह पाती, कौन से ऐसे राज हैं जो आपको नहीं पता और कौन से ऐसे स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं बताए जाते। आज मैं आपको वो अंदर की बातें बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप पूरी के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें 3 कप हम मैदे के ऐड करेंगे जिसको हमने पहले अच्छे से छान लिया था। इसमें सबसे पहली चीज़ जो जाएगी ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून घी का, ठीक है। इससे पूरी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी अपर लेयर, और उसके साथ साथ नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा टेस्ट को स्टेबल करने के लिए। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके खमीर को जनरेट करना है, खमीर को हमने बनाना है, तो इसके लिए नीम गर्म पानी लेंगे तो हमें आसानी होगी, डो भी जल्दी बन जाएगी और खमीर भी बहुत अच्छे से उभरेगा। हमने इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है, कम से कम 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको देसी स्टाइल में गूंदना है। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत अहम बात है जिसका आपने ध्यान रखना है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, वो है इसका स्टे। स्टे नॉर्मली डो को हम देते हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन इसको आपने 1 घंटा स्टे देना है, ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है, फिर आपने इसको ढाम देना है, ठीक है। 1 घंटे बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो अहम चीज़ है ना वो है कि इसको आपने बेलना किस तरह है। इसकी जो रोटी होती है ना वो बनानी बहुत मुश्किल होती है, लोगों से नहीं बनती, तो मैं आपको दिखाता हूँ रोटी कैसे बनानी। सबसे पहले आपने इस तरह से पेड़ा बना लेना है, खुशका नहीं लगाना, ऑयल के साथ ही आपने इसका पेड़ा बनाना है। उसके बाद एक आपने प्लेट लेनी है, उसके अंदर अच्छे से ऑयल लगा के आपने ग्रीस कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने सभी पेड़ों को बना के रख देना है और पेड़ों के ऊपर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको रवायती तरीका बताता हूँ, जिस तरह से नॉर्मली घरों पे रोटियाँ बनाई जाती हैं, पूड़ियाँ, तो वो ये तरीका होता है कि हम एक पेड़े को पकड़ते हैं, इसको थोड़ा सा थपथपा के हम क्या करते हैं, रोलिंग पिन के साथ इसको बेल लेते हैं। रोलिंग पिन के साथ आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल तरीका है, आगे मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो इससे आसान है। तो इससे रोटी को बेल लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे पूरी को गोल करना, बाकी हाथों से भी हो सकता है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ जो मुझे पसंद है, जो झटपट हो जाता है। ग्रीस करके कुकिंग ऑयल के साथ खुशका नहीं लगाना आपने, ठीक है, हाथों के साथ ही आपने इसको थपथपाना है। यकीन करें मैदा है, बहुत ही जल्द आप इसको अपनी मर्जी से गोल बना लेंगे। करना आपने क्या है, ध्यान किस चीज़ का रखना है कि इसको आपने पतला बनाना है, ठीक है। ये देख लें, आपको नजर आ रहा होगा। अब इन 4 उंगलियों से आपने, ठीक है, अंगूठा यूज नहीं करना, 4 उंगलियों की मदद से आपने इसको हैंडल करना है, वरना ये आपकी वो क्या कहते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी, सिमट सी जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फुल गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है और बहुत ही जल्द आप देखेंगे इसको थोड़ा सा थपथपाएंगे, ये फूलना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, आपने इसको स्टे कम से कम 1 घंटा देना है, ये सबसे अहम बात है जिस पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और उसके बाद ये देख लें, मैं सीन कट नहीं कर रहा, आपको टाइम का पता चल जाएगा कितनी देर में ये पक जाएगी। ये लें, ये तैयार है, बस इतनी हल्का सा कलर आए आपने उतार लेना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और पूरी को देखते हैं। पूरी मैंने देखे अंदर डाली, फ्लेम काफ़ी हाई था, और जैसे इसको हीट मिलेगी ये फ़ौरन से फूलना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखना है टाइम कितना लगता है, ठीक है, मैं कहीं भी सीन को कट नहीं कर रहा ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसको कितनी देर पकाना है, ओवर कुक नहीं करना। चलें जी, अब देख लें ये अच्छे से फूल गई, अब हम इसको पलट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहां से ये डन हो चुकी है। इसी दौरान अगर आप चैनल में नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। चलें जी, बन गई। इसी तरह से बाकी भी जो पूड़ियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आप बनाएंगे ना इसी रेसिपी से, वो सारी फूलेंगी, सारी सॉफ्ट होंगी, और एंड पे मैं आपको अच्छे से ये तोड़ के, मरोड़ के, इकट्ठी करके हर तरह से दिखाऊंगा कि ये कैसी बनी। और याद रखिएगा, जो रेस्टोरेंट्स में आपको पूड़ी मिलती है वो इसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग मैदे से नहीं बनाते, ज़्यादातर लोग वो फाइन से बनाते हैं। फाइन आटे की एक किस्म है जो मैदे से सस्ती है, ठीक है, वो बहुत चीकनी सी होती है, उसको आप तोड़ेंगे ठंडी हो जाए तो वो रबड़ की तरह बन जाती है, लेकिन ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेगी चाहे आप रात को बना के सुबह क्यों ना इसको खाएं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए, पूरी रेसिपीज के लिए, हलवा रेसिपी के लिए, लाहौरी नाश्ता रेसिपी के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपीज के लिए, चिकन पुलाव रेसिपीज के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।